हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एनीकास्ट डोंगल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, और अपनी सिंपल सी एलईडी टीवी को एनीकास्ट डोंगल के थ्रू, अपने स्मार्टफोन के थ्रू उसको स्मार्ट टीवी कैसे बना सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि एनीकास्ट डोंगल का अच्छे से उपयोग कैसे कर सके और उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है और उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ, फिर वीडियो शुरू करते हैं। चलो एलईडी टीवी को अभी मैंने ईवी मोड पे रखा हुआ है। ये सैमसंग J5 मॉडल है जिसमें मैं आपको एनीकास्ट कनेक्ट करके दिखाऊंगा, और सभी एंड्रॉइड फोन में ऐसे ही हो सकता है। और ये रहा एनीकास्ट का पॉड डोंगल जो आपको दिख रहा है, और ये पावर, उसका पावर सप्लाई है जो एनीकास्ट को चालू रखता है, और ये उसका वाईफाई डोंगल है, मतलब जो वाईफाई कनेक्टिविटी देता है। ये मैंने HDMI केबल एक्सटेंशन लिया हुआ है जो टीवी के पीछे मैंने फिट किया हुआ है। या आप देख सकते हैं ये वायर पीछे जा रहा है, टीवी के पीछे जा रहा है। हाँ, आपको दिखाने के लिए मैंने एक्सटेंशन लिया हुआ है। और ये पावर चार्ज के लिए, पावर सप्लाई के लिए, जो ये भी मैंने टीवी के USB में फिट किया हुआ है। आप चार्ज, चलो ठीक है, ये मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। देख लीजिए, ये मैंने HDMI केबल में कनेक्ट कर दिया टीवी के, और वो पावर सप्लाई को USB में कनेक्ट करूँगा, और ये कनेक्ट हो गया हमारा। देख रहे हैं आप, इसमें लाइट ऑन हो गई है, मतलब पावर सप्लाई मिल रहा है अच्छे से। इसके पीछे एक बटन है, वो मोड के लिए होता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या उसका यूज है। मीराकास्ट मोड, ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है मीराकास्ट मोड, ये दिख रहा है आपको कॉर्नर पे मीराकास्ट मोड। हाँ, और एनीकास्ट मोड आता है, ये उसकी SSID है। ये मोड दो कनेक्शन बता रहे हैं, ये वाईफाई कनेक्शन का और मोबाइल कनेक्शन का। मोबाइल में दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं। अपना वाईफाई ऑन करें, वाईफाई में जाके एनीकास्ट लिखा हुआ आएगा, ये ब्राइटनेस हाई है, एनीकास्ट लिखा हुआ है। ये मैंने पहले से ही कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, आपको फिर से बताता हूँ, ये मैंने पहले से ही कनेक्ट किया हुआ है, फॉरगेट कर दिया, अभी फिर इसको कनेक्ट करता हूँ। पासवर्ड कौन सा आएगा, जो कॉर्नर में लिखा हुआ है वही पासवर्ड आएगा, और ये SSID है, ठीक है, ये पासवर्ड आएगा 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 100 पासवर्ड, 1 1 2 8, ओके, कनेक्ट, कनेक्ट हो गया, एनीकास्ट कनेक्टेड, मतलब नीचे आ जाएगा कनेक्टेड, ओके, नीचे आ जाएगा, मतलब जो लाइन पे क्रॉस किया हुआ था वो भी कनेक्टेड, और अपना होम का अगर वाईफाई है तो वाईफाई भी कनेक्ट हो गया। वाईफाई यूज करने पे क्या होगा कि आप कोई भी इंटरनेट, मतलब इंटरनेट वीडियोस चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, और सब कुछ चला सकते हो। अगर नेट नहीं है, फिर भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है तो क्या करिएगा, ये जो QR कोड है उसको स्कैन कर सकते हैं, या 198.168.49.1 लिखोगे तो उसका पेज खुल जाएगा, एनीकास्ट का राउटर पेज खुलेगा। ठीक है, अभी मैं खोलता हूँ। नेट के बिना भी आप यूज कर सकते हो, पर इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, गेम खेल सकते हो, सब कुछ खेलोगे। ये देख लो, ये लिख दिया मैंने, QR कोड से भी आप कर सकते हैं, और ये लिख के भी कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर में कर सकते हैं। हाँ, आपको ये करना है, फिर ये तीन ऑप्शन आएंगे, उसमें जाके वाईफाई AP पे जाना है,
वाईफाई पे में देखोगे मेरा ऑलरेडी एक नेटवर्क है, होम का नेटवर्क है NFS ना का, वो कनेक्ट ही हुआ है, कनेक्ट है। अगर उस दूसरा कोई ऐड करना चाहते हो तो दूसरा भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे TP लिंक करके है, पर वो मैं ऐड नहीं करूँगा अभी। NFS कनेक्टेड है, ठीक है, ये कनेक्शन दिखाता है कि कनेक्टेड है, NFS लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है चलो, तो हम शुरू करते हैं अब। ये अभी मोड बदलना होगा, इस मोड पे नहीं होगा। अभी मैंने मोड बदला, आ गया, ये मोड पे आएगा वेटिंग फॉर कनेक्शन, ठीक है। और ये कनेक्शन अभी क्रॉस किया हुआ है, मतलब कनेक्टेड नहीं है। तो अभी इसको कैसे कनेक्ट करना है, तो सेटिंग्स में जाना है, फिर NFS और शेयरिंग में जाना है, अदर एंड्रॉयड फोन में होगा वायरलेस डिस्प्ले, उसमें स्क्रीन मिररिंग है। ओके, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, ये देखो जो क्रॉस था वो चला गया और रेडी टू डिस्प्ले आ गया, और ये हो गया हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, अभी हम यूज करेंगे इसको अच्छे से। अभी मैं यूट्यूब ऑन करूंगा। एनीकास्ट के थ्रू आप साउंड भी, मतलब साउंड भी सपोर्ट करता है टीवी में, ऐसा नहीं कि फोन में साउंड आएगा और वीडियो टीवी में शुरू होगा। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ साउंड करके, ये फोन में साउंड नहीं है, टीवी में साउंड नहीं, फोन में साउंड नहीं, फोन टीवी में साउंड नहीं है। ठीक है, टीवी में फुल करते हैं हम साउंड, फोन में नहीं है, फोन में नहीं है, फोन में नहीं, फोन में करते हैं फुल। आ रहा है दोस्तों, हाँ हाँ ठीक है। ये शायद वीडियो एरर है, इसलिए साउंड तो सपोर्ट करता ही है, पर ये शायद वीडियो वीडियो एरर है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट गाइस, पर साउंड आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये देखो ये कनेक्शन NFS का कनेक्टेड है, फिर भी एनीकास्ट चल रहा है, तो उसका मतलब क्या, मैं नेट इंटरनेट यूज कर सकता हूँ NFS का, मतलब किसी भी आपके घर के खुद का वाईफाई और किसी और का भी वाईफाई और डेटा कनेक्शन पे भी आप एनीकास्ट चला सकते हो और इंटरनेट यूज कर सकते हो और टीवी में देख सकते हो। ठीक है चलो आगे देखते हैं, अभी देखते, अभी देखेंगे एनीकास्ट, अगर एनीकास्ट में जो वाईफाई आता है, जो वो हमारे वाईफाई घर के वाईफाई या किसी और के वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, तो नेट इंटरनेट चलता है या नहीं चलता है, तो चलेगा। हाँ देखो अभी मैं गेम गेम खेल के भी दिखाता हूँ, हम गेम भी खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मतलब फोन पूरा पूरा फोन ऑपरेट कर सकते हैं और टीवी में देख सकते हैं पूरा फोन। ठीक है, ये देखो मैंने एक सिंपल सी गेम शुरू की है, दिखाता हूँ आपको, शुरू होने दो। ये हम अच्छे से गेम खेल सकते हैं, खास करके ये पबजी प्लेयर्स के बहुत काम आएगा ये गेम खेलने के लिए, बहुत अच्छी रनिंग होती है इस गेम में, मतलब ऐसा ही फीलिंग होता है कि हम बड़ी स्क्रीन में, हाथ में मतलब फोन लेके हम बड़ी स्क्रीन में खेल रहे हैं, क्या मजा आता है, बहुत मजा आता है यार। ठीक है अभी 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 मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, और हाँ डिस्कनेक्ट करता हूँ, और बिना इंटरनेट के, मतलब वहां पे जो एनीकास्ट का जो वाईफाई होता है उसमें जो मेरे घर का वाईफाई है वो डिसकनेक्ट करके आपको बताता हूँ कि नेट यूज होता है या नहीं होता है। ठीक है, और हाँ गाइज एक जरूरी बात करनी थी, अगर जो एनीकास्ट का जो SSID और पासवर्ड नहीं दिखाता है उसमें टीवी में, तो मतलब समझना कि आपका डोंगल काम का नहीं है, वो बिगड़ गया है, अंदर से खराब है, तो आप लाए हो तो वही से रिप्लेस करवा डाले और या फिर वापस दे दे, क्योंकि ऐसा मेरे पहले डोंगल में ऐसा ही हुआ था, मैंने बहुत बहुत मतलब बहुत धक्के खाए थे। ठीक है चलो, अब हम NFS को डिसकनेक्ट करते हैं, ये फिर से मैंने 160 फॉरगेट कर देता हूँ, ठीक है फॉरगेट कर दिया।
ये फॉरगेट हो गया, अभी देखो डिसकनेक्टेड बता रहा है, ठीक है देख लिया। ओके चलो तो हम, ये मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, आपको दिख रहा है ये मेरा फ़ोन कनेक्टेड है एनीकास्ट डोंगल से, एनीकास्ट डोंगल वाईफाई से कनेक्टेड नहीं। अभी मैंने स्क्रीन मिररिंग ऑन करता हूँ, ठीक है ये अभी नहीं आएगा, इस मोड पे नहीं आएगा गाइस, ध्यान रखना एनीकास्ट के इस मोड पे स्क्रीन मिररिंग में अवेलेबल नहीं होगा, स्क्रीन मिररिंग में मतलब वायरलेस डिस्प्ले में भी नहीं बताएगा और आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये पहले कनेक्ट करना है और फिर ये मोड चेंज करना है, मोड चेंज करने के बाद ही आएगा। देखो अभी मोड चेंज हो गया, अभी आ जाएगा, आ गया देखो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, ठीक है तो ये ध्यान में रखिएगा। कनेक्शन इन प्रोग्रेस, ओके ऑप्टेनिंग, ओके रेडी टू डिस्प्ले, आ गया। अभी हम देखते हैं कि नेट इंटरनेट का यूज़ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, अभी देखता हूँ। देखो वाईफाई में कौन सा कनेक्ट है मेरा, NFS कनेक्टेड है, दिखा रहा है NFS 100%। ओके तो अभी मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ और इंटरनेट यूज़ हो सकता है। पहले वाले एनीकास्ट डोंगल्स में ऐसा नहीं होता था, पहले वाले एनीकास्ट डोंगल्स में मतलब एनीकास्ट का डोंगल जो होता है वो वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए था, होता है तो ही नेट यूज़ होता है, अब नेट नहीं यूज़ होता है। इसमें नए वाले एनीकास्ट डोंगल में ऐसा नहीं होता है। ओके अगर आपको कोई दिक्कत हो एनीकास्ट यूज़ करने में या कोई कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और वीडियो देखने के लिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, ठीक है चलो। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि